कल हम पहुंच गए थे वुल्स और क्लॉथ के ऊपर, उसका उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। ये भी पढ़ लिया था कल हमने, कल यहां से थे हम। तो हमारा क्या चल रहा था, कंट्रोल ऑफ वूली बियर्स एंड क्लॉथ मॉथ्स, डिसइंफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो इसके लिए एक तो मार्टियस येलो ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसके लिए 40 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्वेंट 100 लीटर्स ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर पे मिला करके। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये येलो रंग का कर देता है, जिसपे जिस भी कपड़े के ऊपर हम करते हैं। तो ऐसी जगह पे हम यूज नहीं करते जहाँ पे कपड़े का कलर वगैरह चेंज हो जाए, ये लिखा हुआ। इट इज कैन नॉट बी यूज जहाँ की वो कलर चेंजेस ना किया जाए सके वहां पे, या गीला ना किया जाए वहां पे, इस तरीके का ट्रीटमेंट को नहीं करते। ट्रीटमेंट विथ 0.5% डीडीटी, ये ध्यान दीजिएगा, 0.5% डीडीटी और गामा बीएचसी सॉल्यूशन इन व्हाइट स्प्रिट पेट्रोल या सुपीरियर क्लास ऑफ केरोसिन ऑयल में यूज करके भी इस तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। किस पे, कपड़ों पे। इसके बाद में हम आगे आ रहे हैं, एक दूसरा ट्रीटमेंट है गैमेक्सिन स्मोक जनरेटर से। गैमेक्सिन डाली जाती है तो उससे, या मेलिथियन भी डाला जाता है कंसंट्रेटेड 50% लेकर के। तो कितने उस पे, इट इज डाइल्यूटेड विथ 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर। यदि 1 लीटर है तो उसका 50% मतलब 500 ग्राम डाल करके मेलिथियन इसको यूज करते हैं हम कपड़े वगैरह में कीड़े ना लगे उसके लिए। दिस इज स्प्रेड ऑन ऑल द 6 सरफेस ऑफ स्टैक, मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह पे किया जाता है। मेलिथियन एक तरीके से रेड रिपेलेंट का भी काम करता है, मतलब चूहे भगाने के लिए भी ये यूज होता है। एल्ड्रिन एंड क्लोरीन है यार, क्लोडेन, दिस इज लार्जली यूज फॉर ट्रीटिंग द फाउंडेशन ट्रेंच एंड ग्राउंड बिटवीन देम इज ऑर्डर टू रेंडर द बिल्डिंग टर्माइट प्रूफ। ये अब ये चालू हो गया अपना टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए, टर्माइट प्रूफ जहां पे बिल्डिंग में लग गई है तो वहां पे इस चीज का यूज किया जाता है। तो एल्ड्रेक्स इज मेड इनटू 0.5% इमल्शन बाय एडिंग ऑफ 59 वॉल्यूम ऑफ वाटर टू 1 वॉल्यूम ऑफ एल्ड्रेक्स। ये लिख लीजिए आप लोग एल्ड्रेक्स। इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने नहीं पढ़ा, पर फिर भी आने के लिए कुछ भी आ सकता है तो लिख लीजिए। क्लोडेट डेबे इज को कैसे सॉल्यूशन में फ्यूल ऑयल 1% या एमल्शन इन वाटर में डाल करके यूज करते। पायरेथ्रम में भी यूज है डस्ट और ऑन और एज ए सॉल्यूशन इन केरोसिन, केरोसिन में पायरेथ्रम मिला करके यूज किया जाता है। इट इज नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग, वंस एक्सपोज टू एयर इट इज इफेक्टिव is very short lived, but during that period of about 2 to 4 hours, it has a very good knockdown effect on insects. Insects, मतलब कीड़े भगाने के लिए ये बड़ा useful है।
इंसेक्ट लिखिए और इसके आगे पायरेथ्रिन लिख लीजिए. इन स्पेशल केसेस फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेशन ऑफ कार्पेट एंड स्किन डीडीटी और गैमा बीएससी में बी अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ए डस्ट फाइव. इसमें मतलब कि डीडीटी का या बीएससी का उपयोग कार्पेट और स्किन बचाने के लिए करते हैं तो उसमें क्या है 5 पार्ट ऑफ डीडीटी और गामा बीएससी एंड 95 पार्ट ऑफ फ्रेंच चॉक और सोप स्टोन एट द रेट ऑफ 25 ग्राम पर स्क्वायर मीटर. मतलब 25 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर में इस वाले मिक्सचर को यूज किया जाता है. कौन सा मिक्सचर बन रहा 5 पार्ट ऑफ डीडीटी या गामा बीएससी और 95% फ्रेंच चॉक मिला करके. फ्रेंच चॉक नहीं है तो सोप स्टोन. ये मिला करके इसके ऊपर कारपेट और स्किन को बचाने के लिए किया जाता है. पैकिंग विथ नेप्थलिन. मतलब कि जब वो नेप्थलिन पाउडर कई वो नेप्थलिन बॉल हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे या क्या नेप्थलिन कैंपर और पैराड क्लोराइड बेंजीन पीडीबी एट 1 ग्राम पर लीटर ऑफ स्पेस इज ऑनली अल्टरनेटिव. मतलब ये आ गया कपड़ों के लिए फिर से नेप्थलिन बॉल जहाँ पे यूज कर रहे हैं या कैंपर या पैरा डॉक्लोरो बेंजीन पीडीबी फुल फॉर्म लिख लीजिए. एक मिनट रुकिएगा. तो लिख लिया पीडीबी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ वूलन और फेल्ट 5 ग्राम ऑफ नेप्थलिन पर लीटर ऑफ स्पेस आर यूज्ड एट रिप्लेनिश एनुअली. मतलब सालाना 5 ग्राम नेप्थलिन का यूज किया जाता है वूलन और फेल्ट के लिए पर लीटर ऑफ स्पेस. सालाना नेप्थलिन एंड अदर मटेरियल एक्ट एज फंगीगेंट रिपेलेंट सिंस दीज आर वोलेटाइल सब्सटेंट. मतलब कि ये उड़ जाता है नेप्थलिन तो इसको बार बार मेंटेन किया जाता है. शुड नॉट नेप्थलिन कैम्फर या पीडीबी शुड नॉट बी यूज टू प्रिजर्व पिच सेट ब्रशेस. ये अलग से लिख लीजिए.
नेप्थ्रिन और कैंपर या पीडीवी को यूज नहीं करते, कहा पिसेट ब्रशेस के लिए। वहां और एक और जगह नहीं यूज करते जहां पे गोल्ड या सिल्वर एम्ब्रॉयडरी रहती है। ये जनरली जैसे हम घर के कपड़ों के लिए करते हैं वैसा ही नेफ्थलीन बॉल का, और इसका हम घर पे नेफ्थलीन बॉल ही यूज करते हैं। ये वाला 5% मॉस प्रूफिंग ट्रीटमेंट बाय डेल्ट्रिन, ये मतलब जहां पे कीड़े लग गए हैं तो वहां पे किस चीज का यूज कर रहे हैं, डेल्ट्रिन ट्रीटमेंट के लिए, कीड़ों के ट्रीटमेंट के लिए डेल्ट्रिन। कितना लग रहा, 0.05% ऑफ डेल्ट्रिन बाय द वेट ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक ये 1 किलो का है तो उसका 0.05% डेल्ट्रिन का यूज किया जाता है। कॉकरोच वगैरह किचन में है तो कॉकरोच के लिए अलग से ऐसा कोई वो टर्बिकुलर इज नॉट इज जेंडर दिस विन विस। इसका कुछ ऐसे आक्रोच का वो नहीं दिया कंट्रोल मेजर। तो 5% डीडीटी का यूज कर रहे हैं किल द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मारने के लिए। इनको आप छोड़ दीजिए अभी, सिल्वर फिश वगैरह ये कंट्रोल, ये आप लोग अब अलग अलग लिख लीजिएगा, इसका उतना वो नहीं। इसके हर एक के मतलब आप लोग खुद नोट्स बनाइए, क्योंकि इसको पढ़ना और समझने की जरूरत नहीं है, केवल याद करने की जरूरत है। तो इसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ सीधे सीधे, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे में। ये याद करने वाली चीजें हैं कि किस चीज के लिए क्या चीज का यूज किया जा रहा है। क्यों श्रीकांत जी, कोई दिक्कत नहीं सर, मतलब अननेसेसरी जो समझने वाली चीजें हैं उस पे समझा जाए। अब ट्रीटमेंट करना है, ये नेफ्थलीन बॉल डालना है, कहाँ डालना है, कपड़ों में डाला जाता है नॉर्मली मालूम है, तो वो आपको याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज इसमें नहीं है। तो मैं केवल समझने वाली चीजों पे कंसंट्रेट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ठीक जी, जी सर आगे। ठीक ठीक ओके सर। हाँ बोलिए। कोई कुछ बोल रहा था। हेलो हेलो सर, इसके बाद कुछ लाफा का होगा सर? लाफा में लाफा एक मिनट मैं देख लेता हूँ इसमें क्या बचा हुआ है। लाफा स्टार्ट करें आज थोड़ा सा। यस सर, थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली सर ओटीएस के लिए मेरा फोकस है। चलिए आज लाफा पे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम।
लाफा में हम शुरू से ये मतलब हमारी यूनिट्स, ये पहली यूनिट है क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, वर्किंग आवर्स, मस्टरिंग, चेकिंग। आज आप लोग मस्टरिंग के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, मस्टर रोल के बारे में चर्चा किया आप लोगों ने। इसके बाद में कैलकुलेशन वेज, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस और वेरियस एलिमेंट का कैलकुलेशन है, ये हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले। आज हम आगे चलते हैं ये फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके ऊपर चीजें हमने थोड़ा सा पिछले बार पढ़े थे, ये फाइनेंशियल सीसीओ टू का फुल फॉर्म कैश कंपाइलेशन ऑर्डर टू, और कब बनता है, फॉर ईच मंथ ऑफ ऑल, हर एक महीने किसके बेस पे बनता है, फाइनेंशियल पंचिंग मीडिया के बेस पे बनता है। सीसीओ टू का फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैश कंपाइलेशन ऑर्डर टू, हर एक महीने बनाया जाता है। सारी फैक्ट्री सारे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए एक पंचिंग मीडिया बनाती, पंचिंग मीडिया को उस पे अपने ईडीपी सेक्शन में फीड किया जाता है, वो एक फाइल बना करके डीबीएफ फाइल बना करके बोर्ड के पीसी ऑफिस जाता है, पीसी ऑफिस कोलकाता इसको पूरी फैक्ट्रीज का कंपाइल करके, यदि उनके पास भी कुछ एक वाउचर्स आए हैं तो वो कंसर्न फैक्ट्रीज में के कोडहेड में डाल करके एक फाइनल कैश कंपाइलेशन ऑर्डर टू पब्लिश करते हैं सारी फैक्ट्रीज के लिए, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल ओएफआईएल वगैरह सारे जितनी भी अलग अलग यूनिट्स है सबके लिए अलग, मतलब कि एक साथ में पब्लिश किया जाता है। तो कैश कंपाइलेशन ऑर्डर टू मंथली, अभी शायद मेरे ख्याल से चर्चा चल रही थी आप लोगों की कि पीएसएल का डेली जनरेट होता है कि मंथली, पीएसएल मंथली जनरेट होता है, डेटा पूरा का पूरा अकाउंट ऑफिस में ये आपके डिमांड नोट रिटर्न नोट वगैरह सारे आ जाते हैं, उसकी लिस्ट पूरा रिटर्न नोट डिमांड नोट जितने भी वाउचर्स बने हैं, इशू वाउचर रिसीव वाउचर ये सारी चीजों का मिला करके एक स्केल्टन लिस्ट स्टोर प्रिपेयर करता है, स्केल्टन लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय स्टोर लिख लीजिए, और स्टोर प्रिपेयर करके अकाउंट भेजता है, अकाउंट के पास में पूरी लिस्ट आ जाती है कि कितने डिमांड नोट कितने रिटर्न नोट बने और बाकी सारे वाउचर्स बने, साथ ही साथ में अकाउंट ऑफिस का एक डाटा लेता है कि सिर्फ आपके आईटीसी सेक्शन से पूरा डाटा लेता है, उससे पीएसएल जनरेट करता है अपने अपने पैकेज में जनरेट करता है पीएसएल, और उसमें देखता है कि क्योंकि अकाउंट का डेट एक सॉफ्टवेयर अलग है, वो फॉक्स प्रो पे चलता है, और फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर जो है पीपीसी यूज करते हैं वो अलग रहता है, तो दोनों में लिंकिंग नहीं होती है, तो कई बार जो फैक्ट्री से डेटा दिया जा रहा है अकाउंट का डेटा नहीं मिलता, तो उसको मैच करके कि कहाँ कौन से वाउचर छूट गए हैं वो पूरी लिस्ट उससे मिला ली जाती है आपके स्केल्टन लिस्ट से, कि जो हमारा पीपीसी से मिला और स्केल्टन लिस्ट से सेम आ रही कि नहीं चीजें, तो सेम आ जाती हैं चीजें, उससे यहाँ पे एम सेक्शन में या ईडीपी एम सेक्शन में पूरा रन किया जाता है। एम सेक्शन किसका, अकाउंट ऑफिस का, अकाउंट ऑफिस का एम सेक्शन रन करके मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट किसको देता है, कॉस्टिंग सेक्शन को, कॉस्टिंग सेक्शन कॉस्टिंग पैकेज में अलग जनरेट करता है, उसको डाल करके कॉस्टिंग पैकेज में क्या क्या डल रहा है, लेबर एब्स्ट्रैक्ट डल रहा है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट आपका एम सेक्शन से आ रहा, लेबर एब्स्ट्रैक्ट नीचे से आ रहा, ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट खुद बना करके उसको जनरेट करके कॉस्टिंग पैकेज से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट किया जाता है। तो
ये कोड हेड बताए थे एक्सपेंडिचर के, तो एक्सपेंडिचर के कोड हेड मैन्युफैक्चरिंग कोड हेड कहलाता है। यहाँ पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कोड हेड पे एंड अलाउंसेस के लिए है, 805 एक से लेकर के 11 तक। स्टोर परचेज जो भी आपके यहाँ परचेज होता है, फैक्ट्री से परचेज होता है, वो 806.01 से लेकर के 24 तक। सिविल का कोड हेड अलग है, मूवमेंट ऑफ पर्सनल और स्टोर्स के लिए मतलब TADA वगैरह के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक कोड हेड है 808.01 से लेकर के 08 तक। मिसलिनियस इंसिडेंटल एंड मिसलिनियस IM ग्रांट आप लोगों को कई बार आएगा, तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए इंसिडेंटल एंड मिसलिनियस। इसमें 810.01 से लेकर के 18 तक है। 01 इलेक्ट्रिक वाटर कम्युनिकेशन, इस तरीके से अलग अलग कोड हेड है। कोड हेड वगैरह अभी तक तो किसी साल में पूछा नहीं गया। और R&D एक्सपेंसेस को अलग कोड हेड दिया गया है। आप लोगों ने वर्क ऑर्डर में भी R&D एक्सपेंसेस पढ़ा, तो वो वर्क ऑर्डर अलग है, R&D एक्सपेंसेस अलग है। तो वर्क ऑर्डर में जो आ रहा है R&D की एक्सपेंस, वो उस साल या उस महीने में हुआ एक्सपेंडिचर है, मतलब कि एक्चुअली कितना वर्क वारंट के द्वारा एक्सपेंडिचर हुआ। और ये यहाँ पे R&D एक्सपेंसेस में ये हुआ कि आपने कितना खर्च किया खरीदने में R&D के लिए सामान। सामान पहले खरीदा जाएगा, यूज होगा आपका वारंट के थ्रू। तो जो वारंट के थ्रू है वो कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कि वर्क ऑर्डर और वारंट नंबर से। यहाँ पे जो खरीदारी हो रही है, खर्चे हो रहा है, डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, वो आपका यहाँ कोड हेड के द्वारा होगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। इसी प्रकार कैपिटल आइटम वगैरह खरीदने के लिए RR फंड, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब ये कि पुरानी मशीनरी को डिस्पोज ऑफ करके उसके बदले जब मशीन वगैरह खरीदी जाती है तो उसको RR फंड से खरीदी जाती है, रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट। और एक तो दूसरा कोड हेड है न्यू कैपिटल, जबकि फैक्ट्री के एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन या न्यू प्रोजेक्ट के लिए मशीनें खरीदी जाती हैं तो उसका कोड हेड अलग है, न्यू कैपिटल NC ग्रांट उसको बोलते हैं। ऊपर वाले को RR ग्रांट, नीचे वाले को NC ग्रांट। और फिर कैपिटल वर्क मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो आप खर्चे कर रहे हैं तो वो कैपिटल ग्रांट में आता है। इसके बाद में रिसिप्ट का भी अलग अलग कोड हेड है। तो सर्विसेज को जो हम सामान इशू करते हैं, सर्विसेज कौन कहलाती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो उनके कोड हेड अलग है। उनको उनसे जो हम उनको जो बेचते हैं सामान उसके कोड हेड में प्रॉपर बुकिंग होती है। और अदर डिफेंस डिपार्टमेंट ODD अदर डिफेंस डिपार्टमेंट को जब भेजते हैं तो उसका अलग कोड हेड है, MHA का अलग कोड हेड है, IFT इशू का अलग कोड हेड है। रिकवरीज MHA को रिकवरीज वाले हिस्से में डाला गया है, MHA सिविल ट्रेड नॉन मिलिट्री डिपार्टमेंट ये रिकवरीज के रूप में इनको लिया जाता है। और सेल ऑफ सरप्लस एंड ऑब्सोलेट स्टोर, सेल ऑफ वेस्ट और स्क्रैप के लिए अलग कोड हेड है। ट्रांसफर फ्रॉम स्टॉक पाइल से आप रेगुलर स्टॉक में ले रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड है। अदर मिसलिनियस रिसिप्ट मतलब कि आपका जो रेंट वगैरह, इलेक्ट्रिक वाटर की आप रिकवरी वगैरह काटते हैं, LD वगैरह काटते हैं, तो वो अलग रिसिप्ट के रूप में, रिकवरीज के रूप में यहाँ पे शामिल होता है। डे वर्कर के एक दिन की पेमेंट निकालने के लिए कैलकुलेशन का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, P into A divided by N minus S minus H
ये लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है यही फॉर्मूला, आप लोगों को बार बार पूछा जाएगा। जहां पे पी क्या है, मंथली रेट ऑफ पे ऑफ वर्कर, मतलब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करिएगा कि आपका एक दिन का पेमेंट कितना बन रहा है, अपनी पे स्लिप निकाल करके देखिएगा। तो वहां पे आपने सबसे पहले पेमेंट रखिए जो आपका बेसिक पे है, सेकंड आपका नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट और अटेंडेंस, और एन का मतलब है नंबर ऑफ डेज इन ए कैलेंडर मंथ। ये सारी जगह पे यही चीजें हैं, दोनों जगह डे वर्कर पीस वर्कर के जो फॉर्मूले हैं, दोनों जगह पे पी का वही मतलब है, ए का वही मतलब है नंबर ऑफ डेज, एन का नंबर ऑफ डेज इन ए कैलेंडर मंथ, एस नंबर ऑफ संडे इन ए मंथ, और एच नंबर ऑफ पेड हॉलीडे इन एनी इन द मंथ। तो ये आपने लिखा डे वर्कर के लिए, केवल और केवल यहां से एच हट जाएगा तो वो पीस वर्कर के लिए हो जाएगा। तो डे वर्कर को नो सेपरेट पेमेंट बिकम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ पेड हॉलीडे, अंडरलाइन कर लीजिए। डिडक्शन ऑफ एब्सेंट और पार्ट ऑफ डे आर मेड एट द एट 1/8 ऑफ ए डे पे फॉर ईच आवर ऑफ एब्सेंट, मतलब कि 1/8, क्योंकि 8 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है तो 1 घंटे के लिए 1/8 किया गया है, 1/8। और मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम फॉर विच द डिडक्शन आर मेड इज 15 मिनट्स और 1/4 आवर्स, मतलब कि मिनिमम लेट जो कटेगा आपका 1/4 आवर 15 मिनट्स के लिए। तो ये पुराने हिसाब से लिखा हुआ है, आज की डेट में ये सारी जगह EARS सिस्टम लागू हुआ है तो पर मिनट के हिसाब से आपका लेट लगता है और आपका पैसा कटेगा एब्सेंट का। इसके बाद में ये देखिए पीस वर्कर का भी फॉर्मूला वही आ गया, P into A divided by N minus S, P वही चीज है, बेसिक आपका पेमेंट, A अटेंडेंस, N नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ, और S संडे इन ए मंथ। यहाँ पे पेड हॉलीडे नहीं है। पीस वर्कर गेट सेपरेट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेड हॉलीडेज, बिकॉज द मंथली रेट इज रिड्यूस टू डेली रेट इन द फॉर्मूला, फॉर्मूला में से हटाई दिया गया है एच यहाँ पे, तो इनको अलग से पेमेंट दिया जाता है पेड हॉलीडे। ओवर टाइम किस हिसाब से, दो हिसाब से मिलता है, एक डिपार्टमेंटल रूल के हिसाब से इंडिविजुअल को पेमेंट मिलती है ओवर टाइम की, और दूसरी है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। दो कई जगह क्वेश्चन आया है कि प्राइमरी कॉस्ट अकाउंट डॉक्यूमेंट क्या क्या है, तो पीस वर्क कार्ड है कॉस्ट अकाउंट डॉक्यूमेंट, प्राइमरी कॉस्ट अकाउंट डॉक्यूमेंट, उसमें बिन कार्ड वगैरह लिखा हुआ तो बिन कार्ड नहीं है, कॉस्टिंग की जा रही है तो प्राइस पीस वर्क कार्ड, डे वर्क कार्ड, एलोकेशन सीट, पीस वर्क कार्ड पीस वर्कर के लिए, डे वर्क कार्ड डे वर्कर के लिए, एलोकेशन सीट जो जब डे वर्कर पूरे महीने एक साथ में एक ही से काम में लगा रहता है तो एलोकेशन सीट बनती है,
और इसके बाद में लेबर पंचिंग मीडिया बनाएगा अकाउंट ऑफिस, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। पीस वर्क कार्ड पहले भी डिस्कस हुआ था कि पीस वर्क केबल और केबल एक्सेप्टेड मटेरियल के, आपने 1000 बनाया जॉब, 1,00,000 बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पास कितना हुआ जॉब उसमें, उसके ऊपर ही पीस वर्क कार्ड पीस वर्क मिलता है। तो क्या लिखा वहां पे डिस्कशन में भी आया था कि पीस वर्कर को उसकी पेमेंट किस आधार पे मिलती है, अटेंडेंस प्लस एक्सेप्टेड या सर्टिफिकेट जिसका मिला हुआ एक्सेप्टेड जो भी जॉब है उसके ऊपर उसकी पेमेंट बनती है पीस वर्कर की। डे वर्कर की तो पेमेंट बनेगी कि वो हाजिर हो गया उसके आधार पे उसकी पेमेंट बनेगी, डे वर्क कार्ड लगेगा के आधार पे। तो पीस वर्क कार्ड पे क्या क्या चीजें लिखी रहेंगी, टिकट नंबर ऑफ पीस वर्कर और पीस वर्क गैंग नंबर, मतलब जिस गैंग में आप काम कर रहे हैं उसका गैंग नंबर, एक जो कार्ड बनता है, ये कार्ड कौन बनाएगा, जो भी प्रोडक्शन सेक्शन है जहां पे भी आप काम कर रहे हैं, पीस वर्कर काम कर रहा है तो वहां पे का स्टाफ इसको बनाएगा। उस पे और क्या चीज लिखेगा, वर्क ऑर्डर एंड वारंट नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क परफॉर्म, मतलब कि आपने क्या काम किया उसके आधार पे, और कितनी क्वांटिटी एक्सेप्टेड हुई, और द टाइम रेट एट विच पेमेंट इज ड्यू। एक किताब से नोट करते जाइएगा। वो पीस वर्क कार्ड अकाउंट ऑफिस जाएगा, अकाउंट ऑफिस उसको देखेगा, किस आधार पे चेक करेगा, अकाउंट ऑफिस चेक करेगा आप उसके पास में वारंट की कॉपी रहती, तो वारंट में कितना एथराइज किया गया है पीस वर्क, उसके आधार पे ये पीस वर्क कार्ड को एथराइज करके आपकी पेमेंट बनाएगा, पीस वर्कर की पेमेंट बनाएगा। डे वर्क कार्ड पेड बाय द अटेंडेंस, डे वर्कर को अटेंडेंस के आधार पे पेमेंट की जाती, तो उसपे क्या क्या लिखा रहेगा, टिकट नंबर, वर्क ऑर्डर नंबर, वारंट नंबर, और कितना टाइम स्पेंड किया उस जॉब पे। जनरली फुल डे लिखा जाता है, 8 hours या ओटी चल रहा है तो जितना ओटी चल रहा है उसके आधार पे। नॉर्मली वन कार्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच वीक, ध्यान दीजिएगा, हर एक हफ्ते बनाया जाता है डे वर्क कार्ड। यदि पूरे महीने में वो आदमी एक ही सा काम कर रहा है तो वहां पे एलोकेशन शीट बनेगी। जब एक पीस वर्कर वो डे वर्कर पूरे महीने एक ही सा काम करता है, मतलब कि एक सा काम करता है सेक्शन में, तो उसके लिए वीकली डे वर्क कार्ड ना बना करके उसकी जगह एलोकेशन शीट बनाई जाती। जनरली इसको किस काम के लिए, जनरली रिलेटेड टू इनडायरेक्ट वर्क ऑर्डर ओनली, एलोकेशन शीट और डे वर्क कार्ड दोनों ही इनडायरेक्ट वर्क ऑर्डर के लिए ही बनेंगे, क्योंकि पीस वर्कर के लिए तो डायरेक्ट वर्क ऑर्डर। तो इसमें क्या क्या लिखा जाएगा, इसमें भी वही लिखा जाएगा लिस्ट बना करके, वर्क ऑर्डर नंबर, टिकट नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब एंड टाइम स्पेंट ऑन द जॉब आर मेंटेन मेंशन्ड इस पे। और ये कब बनाया जाएगा, मंथली, मंथ आर प्राइज बाय द अकाउंट ऑफिस बाय एप्रोप्रिएशन द टोटल टाइम वेजेस अर्न्ड बाय ईच वर्कर। लेबर पंचिंग मीडिया,
for booking payment pertaining to leave pay, holiday pay, हेलो हाँ आ जाओ थोड़ी देर बाद फोन करो 10 मिनट बाद हाँ फोन तो लेबर एस्टेट यहाँ पे कौन प्रिपेयर कर रहा है अकाउंट ऑफिस तो इसमें क्या क्या रहेगा सेक्शन कोड नंबर वर्क ऑर्डर नंबर एंड टोटल अमाउंट ऑल दीज पंचिंग मीडिया रिलेटेड टू इनडायरेक्ट वर्क ऑर्डर